तो मैं अब आपको रूम दिखाने ले जा रहा हूँ। एक्चुअली सिर्फ और सिर्फ टाइल ही लगा और कुछ काम नहीं हुआ है, तो इसलिए आप लोग ज़्यादा एक्सपेक्टेशन मत रखो। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू, वेलकम बैक टू द चैनल। तो दिस इज़ मिकल ब्लॉग्स और अभी बज रहे हैं 5:21। तो आज के ब्लॉग में ही मैं आपको होम सीरीज़ का पार्ट जो है इसी में दिखाने वाला हूँ, मतलब यही चीज़ ऐड हो जाएगा होम स्वीट होम सीरीज़ के प्लेलिस्ट में रहेगा। वेलकम बैक एवरीवन अगेन। तो अभी मैं छत पर पानी दे के आया, काफ़ी झाड़ू लगाना पड़ा क्योंकि जीरो लेवल पर उसको स्लोपिंग किया गया है। टाइल्स और मार्बल से सही लगता है, मिस्त्री बोला, तो स्लोपिंग था ही नहीं बिल्कुल, तो मुझे झाड़ू काफ़ी लगाना पड़ा। और मैं अभी बाहर ही हूँ, घर के बाहर ही हूँ, पीछे आप लोग मेरा घर देख सकते हैं। और आज के ब्लॉग में मैं आपको रूम का वीडियो दिखाने वाला हूँ ब्लॉग बना के। और अरे यार, तो पहले कुछ वीडियोस रहेंगे पिछले कुछ दिनों के, मतलब मैं वो ऐड करके फिर आज नया वीडियो शुरू करूँगा। तो आज के वीडियो उसके बाद में डालूँगा, तो पहले घर का काम जो हो रहा था धीरे धीरे उसका वीडियो भी कुछ कुछ क्लिप्स रहेगा, उसके बाद से आज का जो मैं बनाऊँगा फ्रेश वो लास्ट में रख दूँगा, ताकि कैसे बना टाइल लगा वो भी थोड़ा थोड़ा सीन आपको देखने के लिए मिलेगा। तो अभी मैं जाऊंगा ऊपर, अभी तो नहीं थोड़ी देर बाद, क्योंकि और ज़रा धूप होगा तो लाइट अच्छे आएंगे, क्योंकि वहाँ पर जो भी लाइट्स के बोर्ड थे वो निकाल दिया गए हैं, क्योंकि वहाँ पर सीमेंट लगेगा इसलिए, मतलब टाइल लगेगा इसलिए, तो इसलिए उसको निकाल दिया गया, तो मैं लाइट जला नहीं सकता। ठीक है, तो थोड़ी देर बाद में दोपहर को वीडियो उठा के मैं आपको ब्लॉग में दिखाऊंगा। ठीक है, तो वेलकम बैक अगेन। तो आप लोग मेरे पीछे देख सकते हैं ड्रम रखा हुआ है, उसको साइड नहीं किया हूँ मैं, चैनल जगह इसको स्क्रीन कर लगाना पड़ेगा। तो एक और राउंड में झाड़ू मार के आया, तो और थोड़ा और अभी जब धूप हो रहा है, तो और थोड़ा धूप होगा तो मैं आपको दिखाऊँगा। तो मैं फिर से बता दूँ कि इसका और भी पार्ट्स आएंगे, ये वाला लास्ट पार्ट नहीं होगा, जब कलरिंग होगा तब एक आएगा, और भी एक दो डेली लाइफ ब्लॉग्स में मैं दिखाता रहूँगा, या फिर उसके बाद पार्ट करके किसी में डाल दूँगा। ठीक है, तो मैं अब आपको रूम दिखाने ले जा रहा हूँ। एक्चुअली सिर्फ और सिर्फ टाइल ही लगा और कुछ काम नहीं हुआ है, तो इसलिए आप लोग ज़्यादा एक्सपेक्टेशन मत रखो, क्योंकि कुछ दिन कुछ महीनों बाद जाके फुल काम होगा, कलरिंग बाकी है और भी विंडो डोर सब बाकी है, तो ले चलता हूँ आपको। ओके, वेलकम बैक एवरी वन, तो गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। तो आज ये सीरीज़ होम सीरीज स्वीट होम सीरीज़ का एपिसोड 3 है, तो आज मैं आपको दिखाने वाला हूँ कि घर का क्या क्या काम हो रहा है। और आप लोग ऑलरेडी तो मेरा डेली ब्लॉग्स देख रहे होंगे, जो कि चैलेंज है 21 डेज का, तो ये अलग से सीरीज चल रहा है मेरा स्वीट होम का, जो कि अभी चल ही रहा है और थोड़ा स्लो चल रहा है, लेकिन अब थोड़ा फास्ट चले क्योंकि घर का काम शुरू हो गया है। तो मैं आपको दिखाता हूँ कि क्या क्या काम अभी तक हुआ है। तो ये सब टाइल जो है हम लोग का बरामदे में था, वहाँ से हम लोग यहाँ पर ला दिए, जो कि उधर साफ सफाई करके इधर ला दें ताकि उधर काम हो पाएगा। तो ये जो प्लेस है, ये जो प्लेस आज लगेगा और कल का ऑलरेडी काम हो चुका है। ये ड्रम है, इसी ड्रम से हम लोग पानी इसमें भर देते हैं, तो वो लोग इसमें से लेके काम कर देते हैं। और यहाँ पर सैंड जब है, टाइल्स कुछ टाइल्स यहाँ रखा हुआ है, जो कि टाइल्स यहाँ लगेगा, तो ये वाला जो टाइल दिख रहा है वो वाला यहाँ लगेगा। Because there are so many things that I live.
बैक टू द चैनल। तो देखा आप लोगों ने घर कैसा है, तो अब मैं आपको डिटेल में बताने वाला हूँ, ठीक है। तो यहाँ से एंट्री है और ये वाला जो टाइल है डिफरेंट है, ये वाला टाइल और डिफरेंट है, मतलब ये शाइनी वाला है, ये उतना शाइन वाला नहीं लिया क्योंकि यहाँ पर रेगुलर आना जाना रहेगा, गंदा होता रहेगा, इसलिए हम लोग ये जो पार्ट है ये वाला अंदर का सब शाइनी वाला वाइट वाला लगाए हैं, ठीक है। और मैं आपको दिखा दूँ ये वाला टाइल है, ये वाला टाइल मेरा भाई मिलकर सिलेक्ट किया था, ठीक है। और ये डोर तो आपने देखा ये पहले, और मेरे बैकग्राउंड में जो है पीछे जो दिख रहा है आपको ये वाला टाइल, वहाँ पर उसे ख़रीदने गए थे, वो बोले थे कि ये वाला टाइल आप ले लो अच्छा रहेगा, हम लोग को पता नहीं था कि लगाने में इतना अच्छा दिखेगा, लेकिन ये भी अच्छा दिख रहा है जो ये वाला टाइल आपको देखा, ठीक है। और मैं आपको आप पूजा का दिखा ले रहा हूँ, ये पूजा घर एक्चुअली यहाँ पर लाइट लगा नहीं है वाला, नहीं तो अच्छा से दिखता, ठीक है। तो ये वाला वाइट टाइल हम लगाए पूजा घर के अंदर। और ये रहा ड्राॅइंग रूम, तो ड्राइंग रूम ये है, यहाँ पर एंट्री करते ही राइट साइड में ड्राइंग रूम है, और उसके बाद मैं आपको अपने रूम में ले चलता हूँ। तो ये है मेरा रूम, ठीक है, जिस पर रेड कलर का टाइल्स लगा है, और ये एक्चुअली 3D टाइल है, ओके। 3D टाइल इसलिए हम लोग लिया क्योंकि मुझे वाला पसंद आ गया था, एक्चुअली वाला सिर्फ शो ऑफ के लिए वहाँ पर मॉडल रखे थे, और मैं हम लोग जब उनसे पता लगा कि टाइल है या नहीं है तो बोले कि स्टॉक में बिल्कुल नहीं है, तो फिर हम लोग ने रिक्वेस्ट किया कि देखो चेक करो, तो बोलो चेक किए, तो मुश्किल से गिनकर हम लोग को जितना रिक्वायरमेंट था उतना ही था, उतना ही स्टॉक में था, तो बोलो इतना ही हम लोग को दे दिया। तो ये रहा वाला रेड कलर का टाइल जो हमको देखे हम लोग, ओके। और नीचे का सारा फ्लोर सब वाइट किया गया है, और सिर्फ बाहर का कॉरिडोर का छोड़कर वो थोड़ा डिफरेंट है, और ये सब शाइनी वाइट लगा हुआ है टाइल जो कि उस रूम में लगा था ऑलरेडी, ओके। तो अभी भी कलर सब बाकी है, मतलब कलरिंग बाकी है, अभी काफ़ी सारा काम बाकी है, क्योंकि और कुछ दिनों बाद लगेगा, क्योंकि डोर भी लगाना, विंडो भी लगाना, ये सब काम भी अभी बाकी है। तो मैं इधर टेंपरेरी के लिए लाइट जगा दिया हूँ, क्योंकि यहाँ पर थोड़ा बहुत लाइट का काम पड़ रहा था जब काम हो रहा था यहाँ पर,